जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि BSF जो वैकेंसी थी, जो पहले ही आउट हो चुकी थी, जो BSF RORM की जो वैकेंसी थी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। भाई, इस एग्ज़ाम की कितने फॉर्म टोटल फिलअप हुए थे, या इस एग्ज़ाम की टोटल वैकेंसी क्या थी, सिलेबस, इन सब के बारे में, जो कि आपको सबको पता है पहले से ही। लेकिन मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स भी कुछ आगे बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को पास करने करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी इस एग्ज़ाम को पास कर चुका हूं। और क्योंकि मैं कुछ में मेडिकल में आउट हुआ था, तो मेरे बार बार कमेंट आ रहे थे कि भैया सर, प्लीज़ कुछ बताओ कि कैसे हम के पेपर कैसे आएगा, कौन से लेवल का पेपर आएगा। तो जितने भी भाई मेरे कमेंट कर रहे थे, तो उन सभी के डाउट में क्लियर कर दिए जा रहा हूँ भाई, कैसे कैसे क्या क्या होगा आपका। तो सबसे पहले आपने फॉर्म फिल तो कब का कर दिया होगा BSF RO और RM में। कोई भाई RO में केवल भरे थे, RM में भरे थे, लेकिन अब की बार RO और RM दोनों में फार्म फिल अप किए जा रहे थे। बस बात उसकी थी कि जो फीस थी वो अलग अलग लग रही थी BSF RO और RM में। तो सबको पता है पोस्ट हेड कॉन्स्टेबल लेवल की थी, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 1312, मतलब 1312 टोटल इसमें टोटल वैकेंसीज थी। और रेडियो ऑपरेटर में टोटल 982, मतलब 982 पोस्ट रेडियो ऑपरेटर में थी। और रेडियो मैकेनिक की बात करूं तो रेडियो मैकेनिक में टोटल 330 पोस्टें थी दोस्तों। और लैंग्वेज, भाई कुछ भाई मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई लैंग्वेज बताओ भाई, पेपर की लैंग्वेज कैसी रहेगी। तो लैंग्वेज भाई इसकी बाईलिंगुअल है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मतलब दोनों में पेपर होगा आपका। और सिलेबस भाई सबको पता है, फिजिक्स 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स से आएंगे। भाई जिसको नहीं पता है तो वो देख लो, मैथ के 20 क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स में उनका मैथ समझ जाएगी। भाई केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स की केमिस्ट्री है। और बात करें GK GS और इंग्लिश की, तो 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। एग्ज़ाम पास करने के लिए टिप्स की बात करूँ तो भाई एग्ज़ाम पास करने के लिए टिप्स तो यही है कि फिजिक्स पे जोर दो भाई, जितनी फिजिक्स हो सके उतनी फिजिक्स कीजिए। एयरफोर्स लेवल की फिजिक्स आएगी भाई 11th और 12th की। केमिस्ट्री अलग से करनी होगी 11th और 12th की। अगर आप कहोगे आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मैं जो मेरे नोट्स थे 2019 वाले, वो आपको केमिस्ट्री के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टॉप 500 या 700 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उनकी सीरीज़ में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और मैथ की बात करूँ तो एयरफोर्स लेवल की मैथ आएगी भाई, बहुत ईजी है कि 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, जो कि एयरफोर्स लेवल की है भाई। GK तो भाई लल्लू लेवल के आएगी, GK में तो कुछ है ही नहीं। GK तो आप कर दोगे, मतलब इतने इजी से GK क्वेश्चन आते हैं ना, एक करंट के पूछ लेते हैं तो भाई चार नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बात करें पांच उसमें दोस्तों GS के आते हैं, तो मतलब समझ गए होंगे आप। जनरल साइंस भी इसी ग्रुप में, मतलब जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला इसमें भी आपको ना जनरल साइंस क्वेश्चन है ना, वो इसी में बता दिए हैं भाई। पांच क्वेश्चन जनरल साइंस के इसमें आ जाते हैं, तो समझ गए होंगे भाई केमिस्ट्री का लेवल है। अब की बार मतलब हर बार ही केमिस्ट्री का लेवल अप आता है भाई, हमारे टाइम भी केमिस्ट्री का लेवल अप आया था। और केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ, इन फिजिक्स तो मैथ जो एयरफोर्स की तैयारी किया था उसने, वो तो कर ही लेंगे भाई। फिजिक्स और मैथ तो जिसने एयरफोर्स की तैयारी की हुई है वो तो कर लेगा, लेकिन केमिस्ट्री चैलेंज बनी बनी हुई है भाई। अगर आपको फिजिक्स के या मैथ के केमिस्ट्री के किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, या फिजिक्स के क्वेश्चन अपलोड करवाने हैं, या केमिस्ट्री के मैथ के कुछ भी अपलोड कराने हैं, तो मेरे को कमेंट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, कि ताकि मैं आगे और भी BSF की टाइम मिला तो BSF के क्वेश्चन बनाऊंगा, मतलब BSF का मोस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा तो अब आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। बात करूँ पेपर डेट की भाई, तो 20 नवंबर सबको पता है 20 नवंबर को आपको पेपर होने वाला है। पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा और टोटल फॉर्म फिलअप लगभग 3 लाख फॉर्म, तो भाई 3 लाख का कॉम्पिटिशन तो हो गया है। टोटल 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और भाई बैटरी भी लो हो रही है। चलो कोई ना, अब की बार नया बदलाव क्या है भाई, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ना, वो नहीं होगा भाई। डिस्क्रिप्शन टेस्ट हुआ था पहले मेरे साथ हुआ था भाई। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होता था भाई, MCQ पहले वो पेपर होता था, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको लिखना होता था भाई, मतलब डेरिवेशन करनी होती थी या उपकरण समाकलन क्वेश्चन पूरे सोल्व करने होते थे, उसके पास नंबर चेक होती थी कॉपी, वो बोर्ड वाली जैसे काम था। लेकिन आपके बार वो हटा दिए गए, वो सबसे अच्छी चीज़ यही है भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके बार। तो रेडियो ऑपरेटर में बस एक चीज़ नहीं है भाई, रेडियो ऑपरेटर में इमला टेस्ट होगा, मतलब समझ गए हो गए, वॉइस डिटेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों इसको।
वही टेस्ट होगा जो आपको अफसर बोलेंगे वो आपको वापस वहाँ पर लिखना होगा या उनको वापस सुनाना होगा। मतलब आवाज़ आवाज़ में, मतलब दोस्तों बोलने की जो स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए। बस ये नॉर्मल टेस्ट होगा, बस केवल पास करना अनिवार्य है, इसके कोई नंबर नहीं है। कट ऑफ की बात करें तो भाई कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई भैया कट ऑफ बताओ इसकी, तो मैं कट ऑफ क्या बताऊँ यार, एग्ज़ाम से पहले कौन सी कट ऑफ होती है। लेकिन मैं 2016 मतलब 2016 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं हुआ था, तो उसके हिसाब से मैं बेसिक आपको कट ऑफ बताऊँ या सेव स्कोर बताऊँ, तो सेव स्कोर दोस्तों आपके पास 130 प्लस, मतलब जो 130 प्लस लाएगा ना दोस्तों वो कन्फर्म पास आपके पास, 150 नंबर लाए भाई वो तो वह कहीं रुक भी नहीं सकता है। तो ये थी भाई इसकी जानकारी। अगर कोई भी आपको और भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइए भाई, मैं डाउट दूर कर दूंगा आपके, जब भी टाइम मिलेगा वीडियो बना दूंगा। और फिजिक्स के या केमिस्ट्री क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्द ही सीरीज शुरू करूँगा भाई, प्रोड्यूसर के पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है सब भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।